आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न वाली 7.2 और प्रश्न वाली 7.2 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया हुआ है एक स्कूल में खेल कूद आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। हमें दूरी दे रखी है एडी और एडी पर 100 गमले रखे हैं। ऐसे ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इस वाई अक्ष पर ये वाला बिंदु दे रखा है ए और ये वाला बिंदु दिया है डी, एडी। इस एडी पर छोटे छोटे कितने गमले रखे हैं? 100। 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा है तो ये 100 मीटर हो गया पूरा। तो 100 मीटर की दूरी पर कितने गमले होंगे? 100। एक गमले के बीच में 1 मीटर का गैप है। उसके बाद आगे दे रखा है मोहिनी, एक लड़की है। मोहिनी दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी के 1/4 भाग की दूरी दौड़ रही है, चल रही है, तथा वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। एक लड़की दूसरी है सीमा। सीमा आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है तथा वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। एक लड़की मोहिनी है, वो एडी के 1/4 भाग की दूरी पर हरा झंडा गाड़ती है। दूसरी लड़की दे रखी सीमा, वो आठवीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 दूरी पर लाल झंडा गाड़ती है। तो आगे दिया हुआ है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी यदि ध्रुव को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए। ये ज्ञात करना है कि ध्रुव को उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है तो वो बिंदु हमें फाइंड करने हैं, वो बिंदु क्या है। देखते हैं यहाँ, ये बिंदु ए है, ये बिंदु डी, इधर दूसरा बिंदु दिया है बी, ये वाला बिंदु कितना बी, थोड़ा इधर को मान लेंगे, ये वाला बिंदु कितना दिया हुआ है हमको बी। ये दूरी दे रखी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दस तक है ये। उसके बाद इस एडी पर गमले रखे हैं, कितने गमले? 100। और 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा है तो 100 गमले जो होंगे वो 100 मीटर की दूरी पर होंगे। 100 गमले 100 मीटर की दूरी पर होंगे। तो इस एडी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? ये 100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर एक गमला है। तो हमारे पास जो एडी की वैल्यू है वो दे रखी है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। अब लिखा हुआ है सवाल में मोहिनी दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो मोहिनी के झंडे की स्थिति ज्ञात करनी है हमको, मोहिनी के झंडे की स्थिति। मोहिनी के झंडे की स्थिति बराबर होगी, ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 पंक्ति हमारे पास कौन सी है? दूसरी। और एडी, एडी की वैल्यू कितनी है? 100। एडी की वैल्यू कितनी है? 100 का मतलब गुना और 1/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2, कितने होंगे? 20, 4 पंजे 20, 25 एकम 25। तो हमारे पास मोहिनी के झंडे की स्थिति जो है वो दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4, अर्थात पंक्ति कौन सी है? दूसरी। और एडी का 1/4 वो कितना है हमारे पास? 25। तो मोहिनी के झंडे की स्थिति हमने फाइंड करी दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 अर्थात 2.25। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है दूसरी लड़की है सीमा। सीमा आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, अर्थात सीमा के झंडे की स्थिति। सीमा के झंडे की स्थिति कैसे याद करेंगे हम? ये लिखा हुआ है कि आठवीं पंक्ति में
आठवीं पंक्ति में एडी का एक बटा पांच भाग, पंक्ति कौन सी है? आठवीं। आठवीं पंक्ति में एडी का एक बटा पांच भाग। तो बच्चों पंक्ति तो हमारे पास आठवीं है, लेकिन एडी की लंबाई कितनी है? एडी की दूरी है हमारे पास 100 मीटर और का मतलब गुना और एक बटा पांच, पांच से काट देंगे, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस और जीरो की जीरो और बीस एकम 20 मीटर। तो हमारे पास सीमा के झंडे की स्थिति जो आई वो आठवीं पंक्ति है और दूरी कितनी है? एडी का एक बटा पांच भाग अर्थात आठ कोमा बीस। अब हमने मोहिनी के झंडे की स्थिति फाइंड करी 2.25, सीमा के झंडे की स्थिति दिखाई 8.20। हमें निकालना है दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तब बिंदु 2.25 पहला वाला बिंदु हमारे पास कितना 2.25 तथा दूसरा बिंदु 8.20 के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी। और बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है डी बराबर x2 - x1 की घात 2 + y2 - y1 की घात 2। तो बच्चों हमको पता है x1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x हमारे पास है, ये तो x1 की वैल्यू है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25। x2 की वैल्यू कितनी है? 8। और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। हमें निकालनी है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, d बराबर x2 - x1 की घात 2 + y2 - y1 की घात 2 और पूरे का अंडर रूट। तो बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 - x1 की घात 2 + y2 - y1 की घात 2। तो d बराबर x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8। x2 की वैल्यू कितनी है? 8। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 और पूरे की घात 2। y2 की वैल्यू कितनी है? 20। y1 की वैल्यू कितनी है? 25। 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। 6 की घात कितनी होगी? 2। और माइनस के 25 में से प्लस के 20 गए तो हमारे पास बचेगा माइनस के 5 और पूरे का लगाएंगे रूट। 6 का स्क्वायर 6 छंग कितने होंगे? 36। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 5 5 25। 36 और 25 यहाँ से कितना होगा? 5 6 11, 3 2 5 1 6। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई √61 मात्रक या √61 इकाई। तो बच्चों हमको बीच की दूरी निकालनी थी दोनों बिंदुओं के, तो हम लिखेंगे अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास है √61 मात्रक। अब इसी सवाल के अंदर हमको इन दोनों बिंदुओं का निकालना है मध्य बिंदु, क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। तो ध्रुव को बिंदु दिया हुआ है 2.25 तथा दूसरा बिंदु हमारे पास है 8.20। के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है तब
मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहां से निकाल लेंगे हम मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x1 वन प्लस एक्स टू बटे दो और y1 वन प्लस वाई टू बटे दो। एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, वाई वन प्लस वाई टू बटे दो। एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दो। एक्स टू की वैल्यू कितनी है? आठ बटे कितना लगाया? दो। कोमा वाई वन की वैल्यू कितनी है? पच्चीस। और वाई टू की वैल्यू कितनी है? बीस। पच्चीस प्लस बीस बटे दो, दो और आठ कितनों के? दस। दस बटे दो, पच्चीस और बीस पैंतालीस, पैंतालीस बटे दो, दो से डिवाइड करेंगे, दो पंजे कितना आ गया? दस। तो ये आ गया पाँच कोमा पैंतालीस बटे दो। तो जो ध्रुव को झंडा गाड़ना है वो पांचवी पंक्ति के अनुदिश पैंतालीस बटे दो मीटर की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा। पांचवी पंक्ति के अनुदिश पैंतालीस बटे दो, अगर पैंतालीस के दो से डिवाइड करें तो कितना आएगा? यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पंजे दस। तो ये हमारे पास आ गया पाँच कोमा साढ़े बाईस, बाईस पॉइंट पाँच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ध्रुव को झंडा पांचवी पंक्ति के अनुदिश, पांचवी पंक्ति के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा। हमको निकालनी थी झंडे की स्थिति। तुमने बताया कि झंडा जो है पांचवी पंक्ति के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा। ये हमारा आंसर था। इसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में हमें दे रखा है बिंदु तीन कोमा दस तथा बिंदु छह कोमा आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु माइनस एक कोमा छह को किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात निकालना है, अर्थात एम अनुपात एन का मान निकालना है। बिंदु दिए हुए हैं, दिए गए बिंदु माइनस के तीन कोमा दस तथा छह कोमा आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक कोमा छह, माइनस के एक कोमा छह किस अनुपात में विभाजित करता है? को एम अनुपात एन में विभाजित करता है, मान लिया हमने। अर्थात इस सवाल के अंदर हमको एन अनुपात एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स वन की वैल्यू कितनी है? माइनस के तीन। वाई वन की वैल्यू कितनी है? दस। एक्स टू कितना है? छह। और वाई टू कितना है? माइनस के आठ। एक्स वन की वैल्यू माइनस से कितनी है? तीन। और वाई वन कितना है? वाई वन दस। एक्स टू की वैल्यू छह और वाई टू कितना है? माइनस के आठ। ये वाली जो वैल्यू है ये एक्स की है और ये वाली वैल्यू वाई की, अर्थात एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का एक। और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? छह। अनुपात दिया हुआ है एम अनुपात एन, अनुपात दिया हुआ है एम अनुपात एन, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो हमने आपको दो सूत्र बता रखे हैं, एक तो विभाजन बिंदु x के निर्देशांक x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। तो सबसे पहले बात करेंगे x की, विभाजन बिंदु x के निर्देशांक जब x की बात करेंगे यहां पे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x वाला, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी है, माइनस के वन, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स टू की वैल्यू कितनी है छः, एन की वैल्यू निकालनी है और एक्स वन की वैल्यू कितनी है माइनस के थ्री, और बटे लगाएंगे एम प्लस एन, माइनस का वन जो का तो छः की गुना एम से करेंगे तो कितना आ गया छः एम, प्लस माइनस माइनस और तीन की गुना एम से करेंगे तो कितना आएगा तीन एन बटे एम प्लस एन, इसको रखेंगे हम जो का तो बटे में कितना मान लेंगे इसके एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बर्ज गुना, जब इसकी गुना हम एक से करेंगे तो जो का तो आएगा छः एम माइनस के तीन, जब माइनस एक की गुना यहाँ करेंगे तो दोनों चिन्ह बदलेंगे तो संख्या प्लस की हो क्या आ जाएगी माइनस, अर्थात माइनस का एम और माइनस का एन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का दराग क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का दराग क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का एम, प्लस के छः और प्लस का एक, प्लस के कितने होंगे सात एम, प्लस के तीन और माइनस का एक, तीन में से एक गया तो प्लस के बचे हमारे पास दो एन, एम बटे एन की वैल्यू फाइंड करनी है एम बटे एन, तो सात जाएगा दो के अपोन में, अर्थात एम अनुपात एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई टू अनुपात सेवन, एम अनुपात एन की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको जो हमारे पास कितनी आई दो अनुपात सात। तो ये हमारा आंसर है। अगर बच्चों आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।